साबित हो, इसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अभी इसके पूर्व मैंने आपको जो स्टडी कराई वो स्टडी आपको क्या कराई, इसके पूर्व मैंने कराई एग्रीकल्चर, आपको प्लानिंग समझाया, यानी 1950 से लेकर के अब तक का भारत आप समझ गए होंगे कितने फेज राजनीतिक कूटनीतिक या अन्य फेज से गुजरा। अब उसी परिपेक्ष में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इसका बैकग्राउंड भी मैं लेकर के चलूंगा। लेकिन इसके बैकग्राउंड को स्टार्ट करने से पूर्व हम आपको बता दें कि जो हमारे पास सेक्टर्स होते हैं वो तीन सेक्टर होते हैं, आपको जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ। प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो अधिकतर आपका क्या होता है, नेचुरल होता है, नेचर से इंटरलिंक होता है। अधिकतर आपका प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो प्रकृति हमें देती है। ठीक है, चाहे मछली हो, मछली का आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो प्रकृति हमें देती है, जैसे गेहूं प्रकृति हमें देती है जिसमें हम लोग श्रम और थोड़ी सी पूंजी लगा देते हैं, तो प्रकृति हमें दे देती है, तो वो क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वो आपका जो नेचुरल, आपका प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों को आपने इकोनॉमिस्ट का नाम सुना होगा, थिंकर का नाम सुना होगा, जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा रियल प्रोडक्शन वास्तव में प्राथमिक क्षेत्र में होता है, रियल प्रोडक्शन केवल प्राथमिक क्षेत्र में होता है, आपका जो द्वितीयक क्षेत्र है, आपका जो सेकेंडरी क्षेत्र है जिसको आप लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हो, ये वास्तव में उत्पादन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को, ठीक है, प्राप्त कच्चे माल का केवल रूप बदल देता है, और रूप बदल देने को ये लोग उत्पादन का नाम दे देते हैं, और कौन सा उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन का नाम दे देते हैं। तो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री बहुत नाराज थे, वो कहते थे औद्योगिक क्षेत्र कोई क्षेत्र नहीं होता, और औद्योगिक क्षेत्र केवल प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को लेता है और उसका रूप बदल देता है और कुछ नहीं करता। लेकिन हमने इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन पढ़ी थी कि यदि हम किसी वस्तु का रूप बदल दें, यदि कहीं पर सेवा कर दें, ठीक है, यदि कहीं नॉलेज बढ़ा दें, तो ये इस तरह छह वेरिएबल्स मैंने आपको डिफाइन किया था कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता, स्थान परिवर्तित कर दें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे उत्पादन कहा जाएगा, वो हमारी आर्थिक वस्तु हो जाएगी, वो हमारी इकोनॉमिक कमोडिटी बन जाएगी, आर्थिक वस्तु बन जाएगी, अगर हम उसका रूप बदलते हैं तो भी उत्पादन माना जाता है, और इसको हम लोग जीडीपी में जोड़ेंगे। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उत्पादन का कार्य करता, और उन्होंने प्रकृतिवादियों के विरुद्ध अपना मत प्रस्तुत किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो भी भले प्राथमिक वस्तु में जो आपका गेहूं होता, प्राथमिक वस्तु से प्राप्त गेहूं का उसने रूप बदल दिया, और रूप बदलने के परिणाम स्वरूप वो बिस्किट बन जाता है, बिस्किट बन जाता है। तो ये जो रूप बदला है इसके परिणाम स्वरूप अब गेहूं आपका क्या था, 15 रुपए केजी, और उस 15 रुपए लगाने के परिणाम स्वरूप जब रूप बदला तो उसमें श्रम तथा पूंजी लगी, और ये बिस्किट हमको 100 रुपए की अर्निंग दे देता है, 100 रुपए की अर्निंग दे देता, तो ये हमारा प्रोडक्शन जो 85 रुपए का हुआ ये इंडस्ट्रियल सेक्टर द्वारा उत्पादन माना जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वास्तव में इंपॉर्टेंट हो जाता, और सबसे आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भारत में जितने भी प्राथमिक वस्तु हैं उनकी पूर्ति अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक होती है। ठीक है, जितनी भी प्राथमिक वस्तुएं होती हैं आप चाहे जो इमेजिन कर लो, ठीक है, और कभी कभी कुछ प्राथमिक वस्तुएं तो ऐसी होती है जो जिनकी पूर्ति अति अल्पकालिक होती है, अति अल्पकालिक होती है, ये केवल वेरी शॉर्ट रन में ही पाई जाती है। आप बताइए प्राथमिक क्षेत्र की जिसकी पूर्ति अल्पकालिक है, इसी के सप्लाई का नेचर इंडस्ट्रियल सेक्टर केवल बदलता है। ठीक है, इसमें टाइम जो क्वालिटी होती है, जो समय का गुणात्मक मान होता है, उसको जो परिवर्तित करता है उसको हम लोग नाम देते हैं औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अर्थात टाइम पीरियड को बढ़ाना, अल्पकालीन वस्तु जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित अल्पकालीन वस्तु है उसको हम लोग दीर्घकालिक वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां पर इंपॉर्टेंस आपका आ जाता है औद्योगिक क्षेत्र का। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम प्राथमिक वस्तुओं जो अल्पकालिक या अति अल्पकालिक वस्तु है उसका हमने टाइम में परिवर्तन कर दिया, टाइम फेज चेंज कर दिया। तो ये बताइए, हमने बताया ना समय परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, रूप परिवर्तन के द्वारा उत्पादन किया जाता, तो औद्योगिक क्षेत्र ने क्या किया, समय परिवर्तन कर दिया। जैसे गेहूं आपका एक साल बाद खराब हो जाता, यानी चाहे जितना उत्पादन हो जाए एक साल के बाद अगर आप गेहूं का उत्पादन नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा।
हमने बिस्किट बना दिया, बिस्किट क्या किया प्रोसेसिंग कर दिया, प्रोसेसिंग किसने किया औद्योगिक क्षेत्र, और ये बिस्किट आपका 3 साल तक आराम से मार्केट में बिकता रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिसकी पूर्ति अल्पकालिक थी उसको कन्वर्ट कर दिया दीर्घकालिक। मैं मार्केट में गया मिल्क लेने, तो एक मिल्क का पैकेट वो हमको 20 रुपए का या 25 या 30 का दे रहा था, सॉरी 30 रुपए का दे रहा था। अब बोलर रहा था सर ये 7 दिन तक रखा रहेगा, 7 डेज आप इसको रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसके साथ नहीं आएगी। मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ। तो यानी इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर द्वारा प्रोसेसिंग करना। तो इकोनॉमी में आज इंडस्ट्रियल सेक्टर का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गया है कि ये सबसे ज्यादा टाइम जो होता है वो इंक्रीज कर देता और हमारी अल्पकालिक तथा अति अल्पकालिक वस्तु को दीर्घकालिक वस्तु में कन्वर्ट कर देता है। तो अर्थात प्राथमिक क्षेत्र को आवश्यकता नहीं है कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा गेहूं उत्पादन करे, ज्यादा अन्य वस्तुओं को उत्पादन करे, बल्कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र का इंपॉर्टेंस बढ़ गया क्योंकि इसको चाहते कि टाइम फेज बढ़ा दे, टाइम पीरियड बढ़ाने की इसके पास टेक्नोलॉजी आ जाए, तो ये ऑटोमेटिक इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा और इकोनॉमी में आपका कोई परिवर्तन होगा तो अर्थव्यवस्था में मूल्य नहीं बढ़ेगा। तो यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, पहले हम ये कहते थे कि प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुओं की क्राइसिस हो गई है इसलिए अर्थव्यवस्था में मूल्य बढ़ता, अब लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र जो टाइम पीरियड है वो नहीं बढ़ा पा रही ज्यादा इसलिए क्राइसिस हो जा रही है। तो इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र का इंपॉर्टेंस बढ़ गया और अर्थशास्त्रियों ने इंडस्ट्रियल प्राथमिक क्षेत्र और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच की बीच क्या होता, एक प्रकार से हमने प्राथमिक क्षेत्र का हमने देखा कि फर्स्ट 5-ईयर प्लान सेकंड 5-ईयर प्लान में काफी अधिक इम्फेसाइज किया गया, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र का अपना महत्व होता क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र भी टाइम पीरियड को बढ़ा करके, टाइम मेच्योरिटी टाइम को बढ़ा करके हमारे देश में प्रोडक्शन में अपना शेयर बढ़ा सकता। अब बात आती है सेवा क्षेत्र का, फिर क्या रोल है, वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कुछ नहीं करता, प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के बीच अंतर क्रिया को बढ़ा देता है, अंतर क्रिया को बढ़ा देता है। ठीक है, आपका गेहूं यहाँ पर हुआ, ठीक गेहूं यहाँ पर हुआ, औद्योगिक क्षेत्र ने पहले लेटर भेजते थे, पहले के समय में लेटर भेजे जाते थे कि हमको इतने टन गेहूं भेजो, फिर ये बाई ट्रक इधर से भेजता था। ओके, एक लंबी प्रक्रिया लग जाती थी, 7 दिन में लेटर पहुंचता था, फिर वो लेटर को प्रोसेस करते थे, फिर लगभग 10 दिन बाद ट्रक पहुंचता था, ऐसा कुछ होता था। आज सेवा क्षेत्र आया, सेवा क्षेत्र ने क्या किया, एक काम करो आप हमसे मनी ले लो, आपके पास मुद्रा नहीं है मनी ले लो। पहले औद्योगिक क्षेत्र ऑर्डर इसलिए नहीं देते थे, पैसा आ जाए हमारा प्रोडक्ट से बिक करके तो हम दे, अब सेवा क्षेत्र कहता बैंक कहता हमसे मनी ले लो। ठीक है, दूर संचार कंपनी कहती है आप लेटर मत भेजो, आप कॉल कर लो, जब कॉल कर दोगे तो आपका 7 दिन का काम कितने दिन में हो गया, 1 मिनट में, 7 दिन का काम 1 मिनट में हो गया। इस कंपनी ने तुरंत आपको क्वालिटी आज वर्तमान में इंटरनेट से भेज दिया कि सर ऐसी क्वालिटी का मेरे पास आ गया हूँ, आपने ओके कर दिया। तो जो कमेटी, एक कमेटी आती थी औद्योगिक क्षेत्र की, एक कमेटी आती थी और वो देखती थी, देखने के बाद फाइनल करती कि नहीं सर आप ले सकते हो, ये गेहूं बिस्किट बनाने के लायक है और ओके करती थी, ये 1 महीने बाद गेहूं आता था और औद्योगिक क्षेत्र का प्रक्रिया क्या होती थी, धीरे हो जाती थी। इंटरनेट, बैंकिंग, दूर संचार, परिवहन, ये तीनों चीजों ने इनके बीच की अंतर क्रिया को बढ़ा दिया। जब अंतर क्रिया बढ़ जाएगी आपको तो इकोनॉमी में जीडीपी का मान बढ़ जाएगा, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक हो गया। ठीक है, तो यानी प्राथमिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के बीच की अंतर क्रिया को बढ़ाने के लिए आज हमको सर्विस सेक्टर की आवश्यकता अधिक है और जिस देश में सर्विस सेक्टर ज्यादा सेवा क्षेत्र वहां पर प्राथमिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र के बीच अंतर क्रिया ज्यादा, जिससे इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट तेजी से जनरेट होता है। इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में आपका वस्तुएं तथा सेवाओं की सप्लाई ज्यादा तेजी से होती है और अर्थव्यवस्था में प्राइस क्या होता है, ज्यादा अधिक प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, किसका, इंडस्ट्रियल और प्राथमिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का। अब आप तीनों का इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। भारत सरकार ने प्राथमिक क्षेत्र के लिए, मैंने आपको एग्रीकल्चर फाइनेंस पढ़ाया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपको पढ़ाई, मैंने आपको दोनों चीजें पढ़ाई। ठीक है, अब आपको औद्योगिक क्षेत्र के विषय में जानना अनिवार्य है, साथ ही साथ आपको सर्विस सेक्टर के विषय में जानना अनिवार्य है कि सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के लिए कितना किया। तो सर बैंकिंग के लिए मैंने आपको पढ़ाया, अब मेरे पास टॉपिक क्या बचा, ऊर्जा, अब मेरे पास टॉपिक क्या बचा, परिवहन,
ठीक है, इन टॉपिक्स पर भी मुझे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तब आप पूरी इकोनॉमी को समझ पाओगे ना। तो ये हम लोग फ्यूचर में, इन फ्यूचर में वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी सेक्टर, वी विल डिस्कस अबाउट द आपका टेलीकॉम दूरसंचार सेक्टर पे, इन पे जरूर थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रकाश डालेंगे, नहीं आपका ज्ञान इनकम्प्लीट रहेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसका देखिए इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ। देखिए आर्थिक नीति अनेक प्रश्न होते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के कई फेजर्स होते हैं, अनेक पक्ष होते हैं, अनेक डायमेंशन होते हैं, जो देश में औद्योगिक निवेश और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था में औद्योगिक निवेश अगर देश में होगा, और याद रखना पूंजी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए पूंजी क्या है, तो वास्तव में पूंजी उत्पादन की प्रक्रिया को तेज करने का एक साधन, पूंजी उत्पादन की प्रक्रिया को तेज करने का साधन, तेज करने का साधन है। और औद्योगिक निवेश क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। तो अगर किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उत्पादन की प्रक्रिया को आप तेज बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर कैपिटल होना इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल कैसे रहेगा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। अब आप ये सोचिए कि भारत के पास निवेश कैसे है? आप प्रश्न आपके पास है कि भारत में निवेश का मान, आय का मान कैसे बढ़े? तो आप कहोगे सर या तो हमारे देश में बचते तेजी से बढ़े, ठीक है, या तो हम किसी देश से उधार ले लें, यही तो आप कहोगे। अब भारत पे याद रखा, भारत एक गरीब देश है, बड़ा दुख होता है ना जब इंडियन इकोनॉमी का पहला लाइन पढ़ते हैं, तो जब भारत एक गरीब देश है तो वहां पर आय का मुख्य पार्ट कंजप्शन पे खर्च हो जाता है एंड सेविंग का मान बहुत कम होता है। तो जब भारत जैसे देश में सेविंग का मान कम हो जाएगा तो आय का मान कैसे बढ़ेगा? जब आय का मान, पूंजी नहीं बढ़ेगी तो देश की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? तो हमारे पास बचता दूसरा रास्ता फॉरेन कैपिटल का, विदेशी पूंजी का ना, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता। विदेशी पूंजी का रास्ता बचता है तो हमको निवेश बढ़ाना होगा, हमको पूंजी आवश्यक है। अगर हम पूंजी नहीं लेते हैं तो अर्थव्यवस्था में हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अगर हम पूंजी नहीं लेते, या तो आपकी देसी पूंजी हो या तो आपकी विदेशी पूंजी हो, तो अल्प विकसित देशों के पास देसी पूंजी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि अल्प विकसित देशों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बचा सके, वो सारा का सारा कंज्यूम कर जाते हैं, वो उपभोग कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी के अभाव में देश में निवेश की प्रक्रिया प्रभावित होती है। और जब डेल्टा आई का मान कम होगा तो आपका देश के गुणा का मान उल्टा काम करेगा या कॉन्स्टेंट काम करेगा और नेशनल इनकम भी तेजी से इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरा पढ़ना, पक्ष पढ़ना, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, ठीक है। या तो आपकी देसी पूंजी आए देश में या तो विदेशी पूंजी आए। अगर देश में देसी पूंजी नहीं है तो आपको विदेशी पूंजी का रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, विदेशी पूंजी का रिस्क लेना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ये थोड़ा सा हिचक लगेगा आप प्लानिंग जब करोगे कि देश में अगर आप घरेलू पूंजी, आपके पास एक घरेलू पूंजी है, ठीक है, जिसको आप लोग डोमेस्टिक क्या कहते हैं, डेल्टा आई कमान डी कहते हैं, और दूसरी आपकी विदेशी पूंजी है जिसमें डेल्टा आई कमान क्या होता, फॉरेन कैपिटल के नाम से जाना जाता। इस पूंजी से हमको बड़ा डर लगता है, विदेशी पूंजी से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा गेम खेला। लेकिन आप बताइए, क्योंकि इकोनॉमी में डेल्टा आई पर ही इकोनॉमी की नेशनल इनकम वृद्धि है, तो कब तक हम वेट करेंगे? भारत की पॉपुलेशन इतनी हुई है, भारत में इनकम पर कैपिटा इनकम कम है। देखो आपके देश में अगर ये तो आपको कंफर्म हो गया कि अर्थव्यवस्था में यदि सेविंग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि बचते बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा। अब अर्थव्यवस्था में आपकी आय जो होती है या तो उपभोग कर लेते हो या तो बचाते हो। भारत में बचत बढ़ाने का पहला तरीका है कि उपभोग को कम किया जाए। बचत बढ़ाने का पहला तरीका है, आप सेविंग बढ़ाना चाहते हो तो उपभोग को कम करो। अब आप ये बताओ कि हम उपभोग को कितना कम कर सकते हैं? भाई एक व्यक्ति खाना तो खाएगा, तो खाना खाएगा तो मतलब आप इस वेरिएबल को चेंज कम नहीं कर सकते, सी का मान कम नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका है कि आप वाई का मान बढ़ाओ, ठीक है, आप अर्थव्यवस्था में वाई का मान बढ़ा दो तो एक्स का मान बढ़ जाएगा। तो भारत में आप देखते हो पर कैपिटा इनकम कितनी कम है। मुझे कभी कभी दुख होता है, आपके जो बड़े बड़े बिग बाजार हैं या विशाल मेगा मार्ट है या आपके पास रिलायंस के हैं काफी है, विशाल मेगा मार्ट है, ये लोग एक
इम्प्लॉय को 8,000 देते हैं, तो बताइए वो 8,000 पाने वाला व्यक्ति जो इनकम के रूप में पाता है वो कंजप्शन पे ही तो खर्च करेगा, उसके पास सेविंग जीरो है। तो भारत एक विकासशील देश है जहां पर वाई का मान बहुत कम है, वाई का मान कम होने के कारण ये सारा का सारा सी पे खर्च हो जाता और एस का मान कम हो जाता। तो वी कम तक हम लोग वेट करेंगे, जब अर्थव्यवस्था में बचत का मान जीरो तो आपकी घरेलू पूंजी का मान भी जीरो होगा। या तो हम वेट करें कि पर कैपिटा इनकम आज से 40 साल बाद 7 साल बाद बढ़ेगी, फिर घरेलू पूंजी आएगी, फिर निवेश करेगी, या तो आपके पास एक रास्ता, या दूसरा रास्ता है कि चलो विदेशी पूंजी से फिर फॉरेन कैपिटल से चलो रिस्क लेते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि विदेशी पूंजी को से रिस्क लेना इजी है। ठीक है, आपको डरना नहीं चाहिए, विदेशी पूंजी को इन्वाइट करिए, फॉरेन कैपिटल को डेल्टा आई को आप फॉरेन कैपिटल को इन्वाइट करिए। हाँ, आप सचेत रहिए, फॉरेन कैपिटल के विषय में आप सचेत रहिए कि ये आपके राजनीतिक मामलों में कभी हस्तक्षेप ना करने लगे, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने लगे, आपके प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग पर दबाव ना डालने लगे। ठीक है, तो फॉरेन कैपिटल अब कोशिश करिए कि ये जो फॉरेन कैपिटल विदेशी पूंजी आई है और इससे जो इंडस्ट्री हुई है इसको आप नेशनलाइज करने का काम करिए, राष्ट्रीयकरण करने का काम करिए। तो विदेशी पूंजी आप लाइए, नो डाउट, उसको कंट्रोल में रखिए पहला काम। दूसरा, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको राष्ट्रीयकरण कर दीजिए यानी भारतीयकरण कर दीजिए। भारतीयकरण का मतलब होता है उस कंपनी को खरीद लीजिए, उसके सारे शेयर को कोशिश करिए कि विदेशी पूंजी के सारे शेयर को भारतीय खरीद। ठीक है, आपका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आपका LML वेस्पा कहाँ की कंपनी है, जापान की। ठीक है, जापान की कंपनी थी, आज भारतीय कंपनी बन रही है, विदेशी पूंजी आई, हमको सिखाया स्कूटर बनाना कैसे बनाया जाता है, हमने सीखा, फिर हमने प्रपोजल रखा कि आप अपनी कंपनी के शेयर बेचना चाहोगे, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हाँ ठीक है आप खरीद लो और हमने खरीद लिया। चलो दूसरा एग्जांपल, मारुति सुजुकी। ठीक है, मारुति के 800 तो सब लोग चढ़े होंगे ना, 800 या अल्टो कार लगभग सब लोग यूज किए होंगे। ये मारुति की कंपनी भी जापान की थी, भारत में आई, विदेशी पूंजी बनकर के आई, और उस समय मारुति एक पॉपुलर ब्रांड हुआ करता, लोगों का एक सपना था कि मेरे पास एक मारुति 800 कार हो जाए, इसको ऑर्डर दिया जाता था। ठीक है, मारुति कंपनी आई, भारतीयों को वास्तव में कंफर्ट इसने दिया, भारतीयों के शौक को इसने पूरा किया, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटजी पे काम किया और इसका भी राष्ट्रीयकरण कर करके इसके सारे शेयर को खरीद करके इसको भारतीय कंपनी बना दिया। आज भी अल्टो मोस्ट कंफर्टेबल चीप एंड बेस्ट कार के नाम से जानी जाती है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति खरीदेगा जिसमें मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। तो इस प्रकार कभी भी अर्थव्यवस्था में आप विदेशी पूंजी से डरिए मत, फॉरेन कैपिटल जो विदेशी पूंजी आती है उसको आप कंट्रोल करने की तकनीक सीखिए। ठीक है, क्योंकि आज हमारे देश की इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना अधिक है, यानी सेविंग्स पढ़ना तो शायद मुझे लगता है एक टेढ़ी चीज होगी, तो सेविंग के भरोसे हम कब तक रहेंगे। तो हमको डेल्टा आई का मान बढ़ाना होगा। तो वही बात मैं इसे कह रहा हूँ कि औद्योगिक निवेश और उत्पादन को प्रभावित करते हैं कई भी आर्थिक नीति। सर्वप्रथम औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, अब जो हमारे देश में लाइसेंस सिस्टम था वो लाइसेंस देना होगा। ठीक है, आपको ये नहीं कहना होगा कि नहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हम लाइसेंस नहीं देंगे, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लाइसेंसिंग नीति को एक पॉजिटिव उदारवादी लाइसेंसिंग नीति को अपनाना होगा और औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना और उनके विकास को विनियमित करना होगा, रेगुलाइज करना होगा, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को सहयोग करना होगा और ये सहयोग उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। द्वितीय जो दूसरा पॉइंट है आपका, आर्थिक शक्तियों एवं एकाधिकार के संकेंद्रण पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था में 1900 में आपको बताता हूँ, 1960-70 का दशक है, 1960-70 का दशक तीन नाम भारत में जाने जाते थे, टाटा, बिरला और महावीर, ये तीन नाम जाने जाते थे। एक तो आप जानते हो टाटा, ठीक है, टाटा का सुई से लेकर के प्लेन तक का प्रोडक्शन होता है भारत में, और भारत में अगर मैं कहूँ तो टाटा जो रतन टाटा जी है वो आज भी भारत के लिए काफी अच्छा सोचते हैं। ठीक है, बिरला आप नाम सुने होंगे और मफतलाल जो होते हैं, मफतलाल कपड़े का दुनिया का मास्टर था, कपड़े का दुनिया का सबसे बड़ा मालिक था, ये पूरे देश की लगभग सारी पूंजी इन्हीं व्यक्तियों तीन व्यक्तियों के पास कंसंट्रेट हो गई थी और ये तीन व्यक्ति मोनोपोली की तरह बिहेव करने लगे थे।
सरकार को लगा अरे सारी कंपनियां यही स्थापित कर देंगे, सारे लाइसेंस यही ले लेंगे तो भारत में तो एकाधिकार हो जाएगा और कुछ दिनों बाद तो ये लोग क्या करेंगे तानाशाह के रूप में बिहेव करने लगेंगे। इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसी में कहा गया कि अर्थव्यवस्था में कभी भी एकाधिकारी कोई व्यक्ति ना बनने पाए इसका रेगुलाइजेशन आपको करना होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। तृतीय, प्रौद्योगिकी पूंजी पदार्थों जो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसको आपको इनहेंस करना, उपकरणों एवं कच्चे माल के आयात और निर्यात संबंधी नीतियों को आपको प्रॉपर अपडेट करना, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका डेवलप होगा। और अंत में हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वित्तीय नीति, आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी है, ठीक है, आपकी फिस्कल पॉलिसी कैसी है, ये इम्पोर्टेंट रखता है कि आप टैक्स कितना रखते हैं और उनसे आप क्या करते हैं निगम कर के रूप में जो आप कर लेते हैं वो कितना, टैक्स एंड आपके पास टैक्सेशन पॉलिसी आपकी कैसी है ये भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होती है। साथ ही साथ आप कौन सी वित्तीय सुविधाएं देते हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए एक मेन एजेंडा बन जाती है। औद्योगिक वित्त के प्रावधान पूंजी बाजार निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन से होता है। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आपको उस नीतिगत ढांचे से हम लोग अवगत कराएंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत औद्योगिक विकास के अंतर्गत हम उस पॉलिसी स्ट्रक्चर से अवगत कराएंगे जिसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक ढांचा स्वतंत्रता प्राप्ति के पिछले 50 वर्षों में विकसित हुआ। तो कैसे इकोनॉमी हमारी 1950 से लेकर 2020 तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इरादा हुआ, हमको कौन सी समस्या झेलनी पड़ी और कौन सी समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, इसको हम लोग एक प्रॉपर वे में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है, आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, आपके मन में एक प्रश्न आता है कि औद्योगिक नीति क्या है। तो औद्योगिक नीति से अर्थ सरकार के उस चिंतन से है, उस फिलॉसफी से है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जाता है कि किस प्रकार के हम उद्योगों को भारत में लगाएं ताकि अर्थव्यवस्था में विकास एक प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है, किस प्रकार के उद्योगों का स्वरूप निर्धारित हम करें, लघु उद्योग लगाएं कि कुटीर उद्योग लगाएं कि बड़े उद्योग लगाएं, ठीक है, पहला स्वरूप मुख्य निर्धारित, दूसरा उसका नेचर कैसा हो, ठीक है, उद्योग में हम वस्तुओं का उत्पादन कैसा करें, ठीक है, तो ये सारी चीजों पर चिंतन किया जाता कि भारत में किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाने से अर्थव्यवस्था का विकास तेज होगा। ये नहीं कि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी तो घटना चाहिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी तो घटनी चाहिए, लोगों को, अब भारत के लोग अशिक्षित थे, अगर आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ला करके डाल दिया तो उससे वर्क कौन करेगा, फॉरेनर, विदेश से कोई इंजीनियर बुलाना पड़ेगा और जब विदेश से इंजीनियर आएगा तो हमारी इनकम कहाँ चली जाएगी, विदेश में चली जाएगी, तो हमारे यहाँ की परकैस्टा इनकम नहीं बनेगी। तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर वाला हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट करना था जहां पर भारतीय भी कार्य कर सके, ठीक है, दूसरा आप एजुकेशन का लेवल आप जानते हो हमारे यहाँ बीटेक और एमटेक कैसे होते हैं, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे ला देता हूँ तो मुझे भारतीय टेक्नीशियन ही उतना क्वालिटी का नहीं मिलेगा, परिणाम स्वरूप हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रॉपर सक्सेस नहीं हो जाएगी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का टारगेट भी होता है कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट घटे, अर्थव्यवस्था में जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उनको भी इम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस प्रकार एक चिंतन किया जाता है और औद्योगिक विकास के स्वरूप को निर्धारित किया जा रहा है जिसको प्राप्त करने के लिए नियम और सिद्धांतों को लागू किया जाता है, ठीक है। अब आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझ में आ गए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक प्रकार का फिलॉसफी है जिसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप हमको औद्योगिक विकास की रणनीति को अपनाना होता है, ठीक है। अगर हम चाहें तो एक काम करते पेट्रोल और डीजल के कुएं खोदना चालू करते, लेकिन नहीं, वर्तमान में आवश्यकता है हमको जिन सेक्टर्स की आवश्यकता उनसे संबंधित हम क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाते, और अगर भारत में अनस्किल्ड व्यक्ति माचिस अच्छा बना सकता है तो माचिस को क्यों ना रिजर्व कर दें छोटे उद्योग के रूप में और बड़े उद्योग में केवल उन उद्योगों को रखें जिसमें इंजीनियर्स आ सकते हैं ताकि जो अनस्किल्ड व्यक्ति है वो भी व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सके। हाँ, थोड़ी सी माचिस की कॉस्ट जरूर ज्यादा होगी, ठीक है। औद्योगिक नीति एक व्यापक धारणा, एक आपका वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें दो तत्वों का मिश्रण होता है, प्रथम
औद्योगिक विकास एवं संरचना के संदर्भ में कि हमारा जो विकास हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और आपका संरचना कैसी हो और सरकार का दृष्टिकोण अथवा दर्शन क्या रहे, ठीक है, तो दर्शन क्या रहे, उसका सोच कैसी रहे, दूसरा इस दृष्टिकोण के प्रति लोगों का औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित एवं नियमित करने की दृष्टि से किन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं नियमों और नियमनों को अपनाया जाता, इसको भी हम लोग करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है, भारत में उस समय आपके हमारे पास जो प्रधानमंत्री जी थे, आप जानते हो प्रधानमंत्री जी आपका डेवलपमेंट कमीशन के जो आपका प्लानिंग कमीशन होता है उसके हेड होते हैं। भारत में जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, तो हमने विदेशी फॉरेन कैपिटल के अंतर्गत उस समय एक पॉपुलर नाम चलता था फोर्ड। फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, फोर्ड की कार बहुत अधिक आती है, ठीक है। फोर्ड से फोर्ड जो क्या करता था, अमेरिका में अपनी वस्तुओं को बनाता था, अपने कार के पार्ट्स को बनाता था और इंडिया में असेंबल करता था। असेंबल का मतलब सारी चीजों को जोड़ देता था और भारत में कार को बेच देता था, ठीक है, फोर्ड कंपनी। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने फोर्ड कंपनी अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि आप अमेरिका में इसको उत्पादन करते हो, भारत में इसको आप क्या करते हो, असेंबल करते हो, तो क्यों ना आप भारत में ही इसको क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर दो, यहीं पे कंपनी खोल दो ताकि हम लोगों को रोजगार मिल जाए, ठीक है, हमको रोजगार मिल जाए। फोर्ड कंपनी बहुत नाराज हुई, उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री जी से साफ साफ रिफ्यूज कर दिया कि मैं कोई कंपनी भारत में नहीं खोलूंगा, ठीक है, मैं केवल असेंबल का काम ही आपके पास जारी रखूंगा। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जो थे वास्तव में उस समय काफी अधिक हमारे देश की कंडीशन खराब थी और हमारे पास एजुकेशन का लेवल उतना अधिक स्ट्रांग नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने विदेश से जो विदेशी कंपनियां थी वो हमारे देश में आती थी, अपने प्रोडक्ट का असेंबल करती थी, यहाँ पर जोड़ती थी और बेच देती थी और हम मजबूर थे, हम चाहते थे वो कंपनी भारत में आए, लगे और हमारे देश में उत्पादन करे। परिणाम स्वरूप एक प्रकार से हमारे पास जो हम कॉन्सेप्ट लेकर के चले थे कि ये विदेशी पूंजी के रूप में अगर फोर्ड कंपनी मेरे देश में आ जाएगी तो कितने लोगों को रोजगार देगी, साथ ही साथ कार बनाने की टेक्नोलॉजी हम भी सीख जाएंगे, लेकिन शायद हमारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। तो कभी कभी हम कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब डेवलप करते हैं ना तो उसके पीछे उस समय की राजनीतिक दशाएं भी बहुत अधिक क्या होती है, हमको फोर्स करती है कि आपने ऐसा क्यों कर। दूसरा, अगर मैं हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करता, यानी देश में सारा काम पूंजीगत यानी मशीनों से करता, तो देश में गांधीयन एक कॉन्सेप्ट चल रहा था और गांधी जी वास्तव में ये इस विचारधारा के विरोध, पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में थे, कह रहे थे पूंजीवाद अधिकतर क्या होता है, श्रमिकों का शोषण करता, साथ ही साथ इससे बेरोजगारी आ जाएगी और हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट पहले से है और पूंजी का प्रयोग के द्वारा अर्थव्यवस्था में आप ऐसा क्यों कर रहे। तो वर्तमान परिस्थितियां भी कभी कभी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को व्यापक जो धारणा थी इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको डिफाइन किया, जिसमें दो तत्वों का, प्रथम औद्योगिक विकास की संरचना के संदर्भ में सरकार का दृष्टिकोण, ठीक है, सरकार का दृष्टिकोण क्या होता है, डिपेंड करता है कि कई लोगों को ऑफर करता नहीं, जब कोई आता हमारे देश में तो उसका अप्रोच, सरकार का अप्रोच बदल जाता और सरकार कहती है एक काम करो, अच्छा ठीक है आप असेंबल ही करके हमारे बेचो, कम से कम असेंबलिंग में सर्विसिंग में कुछ तो रोजगार मिलेगा, भले हमको टेक्नोलॉजी नहीं सीखने मिले, अथवा दर्शन से होता। दूसरा दृष्टिकोण, इसकी प्राप्ति के लिए औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित एवं नियमित करने की दृष्टि से किन सिद्धांत प्रक्रियाओं नियमों को नियमन अपनाया जाता है, इसको होता। तो औद्योगिक नीति में उन सभी सिद्धांतों नियमों और रीतियों का विवरण होता है जिन्हें उद्योगों के विकास के लिए अपनाया जाता है, कि अगर हम कोई सिद्धांत अपनाते हैं तो उस वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा। ये नीति विशेष रूप से भावी उद्योगों के विकास के लिए, प्रबंध के लिए, स्थापना से संबंधित होती है। इस नीति को बनाते समय देश का आर्थिक ढांचा, सामाजिक व्यवस्था जो आपकी है, उपलब्ध प्राकृतिक तथा तकनीकी साधन, सरकारी चिंतन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो जब किसी देश में इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई जाती, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई जाती है, तो वहां पर क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप ही बनाई जाती है। ऐसे नहीं कि हम किसी देश का मॉडल चुरा लाए और भारत में उसको इम्प्लीमेंट करते। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या होता, क्यों हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को लाते हैं, किसी भी राष्ट्र के उचित एवं तीव्र विकास, मैंने बताया ना कि पूंजी के लगने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती, इसलिए हमारा जो होता तीव्र विकास होता, औद्योगिक विकास के लिए सुनिश्चित
सुनियोजित एवं प्रेरणादायक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व घोषित औद्योगिक नीति के आधार पर ही कोई राष्ट्र अपने उद्योगों को आवश्यक मार्गदर्शन कर सकता। हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रास्ता होता है वो हमारी उचित औद्योगिक नीति पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार किसी देश की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी वो राष्ट्र को मार्गदर्शन व निर्देशन देती है कि हमको डायरेक्शन देती है कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा। सरकार को निश्चित कार्यक्रम बनाने में मदद करती है, ठीक है। जनसाधारण को अपनी निश्चित जीविका, देखिए इम्प्लॉयमेंट की बात जरूर, अब यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि हमको सर्वाइवल स्टेज पर हम लोग गुजर रहे हैं, हमको जीविका उपलब्ध कराने में हेल्प करती है। तो ये पॉइंट आपके बन जाते हैं। तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए आज हमको ये आवश्यकता हो गई। भारत में औद्योगिक नीति का विकास कैसे हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में किसी औद्योगिक नीति की घोषणा कभी नहीं की गई, ठीक है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था और उसकी नीति ब्रिटेन के हितों से प्रेरित होती थी। ब्रिटिश वहां से लंदन से जो ऑर्डर्स होते थे उसी को तो ब्रिटिश सरकार अपना चाहती। तो आपने देखा होगा कि जो 17वीं शताब्दी में आपने औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश ने चालू किया था उसके अंतर्गत भारत से कच्चा माल ले जाते थे और ब्रिटेन में उसको प्रोसेस करते थे ताकि औद्योगिकरण से होने वाले लाभ भारत को न मिलने पाए। वो भारतीय औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहिए कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। द्वितीय महायुद्ध के अनुभवों के बाद सरकार ने औद्योगिक नीति की आवश्यकता को महसूस किया, जिसके फलस्वरूप सन 1944 में नियोजन एवं पुनर्निर्माण, पॉइंट याद रखना है, प्लानिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन विभाग की स्थापना हुई 1944 में पहली बार। तो ये नोटेबल पॉइंट है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने वन कर दिया। इस विभाग के अध्यक्ष सर आरदेसील दयाल 21 अप्रैल 1945 को एक औद्योगिक नीति विवरण पत्र जारी किया गया। तो ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाता आरदेसील दयाल, शायद आपका आज प्रश्न भी था ना इससे, एक पत्र जारी किया लेकिन व्यवहार में उसको क्रियान्वित ना किया जा सका। ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगिक विकास के प्रति उदासीन नीति अपनाई, हमसे कोई मतलब नहीं। कौन? ब्रिटिश ने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं, जो आप चाहो करो, ठीक है। उनका सदैव यह प्रयास रहा कि भारत कच्चे माल का निर्यातक, यानी कच्चा माल अगर भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा। तो भारत सदैव कच्चे माल का एक्सपोर्टर ही रहा, सदैव कच्चे माल का निर्यातक बना रहे। उनकी मंशा यह थी कि जो पका पकाया माल है, याद रखना कच्चे माल से प्रोसेस होने के बाद लगभग 10 गुना प्राइस बढ़ जाता है। अगर आपका 10 रुपए केजी गेहूं है तो पकने के बाद आप सोचिए 100 रुपए। आप देखिए एक किलो आलू में लगभग 15 पैकेट आपके पास, 10 या 15 पैकेट आपको अंकल चिप्स मिल जाते हैं, ठीक है। एक किलो आलू का दाम कितना होता है? 20 रुपए। चलो एक अच्छा आलू का दाम कर लेते हैं 30 रुपए, ठीक है। 30 रुपए किलो आलू का कंपनी खरीदती है 15 पैकेट, और आपको रेट पता ही है, 15 पैकेट मान के चलिए 10 रुपए पैकेट, ठीक है। तो लगभग 1 किलो आलू से 150 रुपए कमा लेती है। तो याद रखिएगा 10 गुना वो लोग क्या करते हैं, प्राइस इससे अर्न कर लेते हैं, ठीक है। 10 टाइम्स एक एवरेज में बात कर रहा हूँ कि प्राइस। तो इसलिए कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती है, ठीक, कि भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, नहीं तो कच्चा माल हमको नहीं मिलेगा। और जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट का एजेंडा अपना चला रही थी कि हम प्रोसेस करने के बाद भारतीयों को वही वस्तु बेचते थे 10 गुने ज्यादा दाम पर, वो उनका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा करना आवश्यक समझा गया। अगर आपको, मैंने बार बार, देखो पूंजी किसी देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और तीव्र आर्थिक विकास, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करेगा बट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका पूंजी के साथ साथ संभव नहीं होगा। और पूंजी के साथ और तेज आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो सेवा क्षेत्र को मिला दो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक नॉर्मल ग्रोथ रेट लेके चलेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर नॉर्मल ग्रोथ रेट लेके चलेगा, पूंजी और तेज कर देगा और सेवा सबसे तेज कर देगा। तो ये विशेष कॉम्बिनेशन अगर साथ मिल जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड तेज हो जाएगी। तो आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा करना आवश्यक समझा गया। इसके लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकला कि
कि भारत सरकार को जल्दी ही एक स्पष्ट औद्योगिक नीति घोषणा करनी चाहिए। ठीक है, औद्योगिक सम्मेलन की सिफारिश पर भारत सरकार 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं पूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दैट इज नोटेबल पॉइंट, द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर तैयार की गई और प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो फर्स्ट आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपकी हुई वो 1947 में एक मीटिंग हुई और 1948 में आपके पास तत्कालीन उद्योग एवं उद्योग एवं पूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हुए प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित कर दिया। 1948 में इन्होंने फर्स्ट आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी घोषित की गई। तो ये आपका एक मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ से बन जाता और भारत में पहली औद्योगिक नीति आपकी 1948 में इस प्रकार से हमारे सामने आ गई। इसी पॉलिसी को हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अभी भी हमारे पास विदेशी पूंजी के प्रति डर था, विदेशी पूंजी के प्रति डर था। दूसरा, सरकार चाहती थी आधारभूत उद्योग हमारे पास रहे, ठीक है, और साथ ही साथ रक्षा संबंधी, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि जब दो देश युद्ध करते हैं तो वास्तव में रक्षा जो आपका डिफेंस होता है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सरकार ने आधारभूत उद्योगों को और रक्षा उद्योगों को ये निर्णय किया कि ये सदैव भारतीयों के पास रहेंगे, सदैव सरकार के पास रहेंगे और इन पर कोई भी निजी व्यक्ति लाइसेंस लेकर के उत्पादन नहीं कर सकता। जबकि वर्तमान में हो रहा, वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में भी हमारे पास पूंजी आ चुकी है, प्राइवेट पूंजी आई है, ठीक है। तो उस समय एक फॉरेन कैपिटल के प्रति हमारा डर था और उस डर के कारण हम लोगों ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और इस नीति में आगामी कुछ वर्षों तक औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण, देखो मैं आपको एक वर्ड बोला ना कि कभी भी आपको पूंजी लगे कि खतरनाक होती जाती है, उसको नेशनलाइजेशन कर दीजिए, उसका राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, वो आपके फेवर में काम करने लगेगी। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी जी ने भी इसी कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में क्या किया, औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण का गेम हम लोगों ने चालू किया कि जितनी आपकी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या हुआ था, बाहर की कंपनियां काम कर रही थी, तो सबसे पहले उसका भारतीकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण का से अच्छा मुझे शब्द लगता है भारतीकरण, नेशनलाइजेशन से आपको इंडियन उसको कर दो, कैपिटल को इंडियन कैपिटल को कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो आपके फेवर में काम करने लगेगी और सरकारी स्वामित्व में नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में जो नई आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोगों ने क्या किया कि कुछ कंपनियां जो थी सरकारी स्वामित्व में नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया, लेकिन भारत सरकार के पास उस समय पैसा नहीं था इसलिए राष्ट्रीयकरण की ज्यादा नीति उन्होंने अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जो पुरानी औद्योगिक इकाइयां वो काम करती रहे, लेकिन उनके मन में एक था कि हमको इन फ्यूचर में इसका नेशनलाइजेशन फ्यूचर में करना है। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, नई औद्योगिक इकाइयों को सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया और जो पुरानी औद्योगिक इकाइयां थी उनको तो राष्ट्रीयकरण करने का उन्होंने विचार बनाया लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया, ठीक है। इस प्रकार प्रथम औद्योगिक नीति में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ कार्य करने पर जोर दिया गया, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्वीकार किया गया। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र जब एक साथ काम करता है तो उस क्षेत्र को हम लोग मिश्रित क्षेत्र कहते हैं और मिश्रित क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। औद्योगिक नीति 1948 की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, उद्योगों का वर्गीकरण, इन्होंने क्या किया, उद्योगों को क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्लासिफाई इसलिए करना आवश्यक था कि आपको बताए कि अर्थव्यवस्था में जो मेन इंडस्ट्री थी, मुख्य उद्योग थे, उनको सरकार अपने अंडर में रखना चाहती थी ताकि उनके ऊपर कोई भी विषम परिस्थितियां जनरेट ना कर सके। तो इसके अंतर्गत उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है, 4 पार्ट में। पूर्णतया सरकारी क्षेत्र, यानी इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का क्या होगा, कंट्रोल रहेगा और जो पॉलिसी बनाएगा गवर्नमेंट बनाएगी। इस क्षेत्र में सुरक्षा, वही आपका क्या देखिए सुरक्षा की बात आ गई, रक्षा, राष्ट्रीय हित के प्रमुख 3 उद्योग, जैसे उद्योग शस्त्र, सरकार का यह मानना था कि इस पर
सरकार का ही हक होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर आपके देश पर कोई अटैक होता तो सरकार क्या होता है उसको संघर्ष या मुकाबला आसानी से कर सकती है। निर्माण देखो, उद्योग शस्त्र निर्माण और युद्ध सामग्री और परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियंत्रण तथा रेल यातायात के स्वामित्व और प्रबंधन को रखा गया। इसके प्रबंधन को पूर्णतया केंद्रीय सरकार के एकाधिकार के क्षेत्र में रखा गया, अर्थात आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उद्योग, आपका सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, युद्ध सामग्री, निर्माण, परमाणु शक्ति, इन पर जो भी डिसीजन लेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग लेगी। तो इसलिए इन सेक्टर्स को क्या हुआ, इसके लिए रिजर्व कर दिया गया। फिर दूसरा, अधिकांश सरकारी क्षेत्र जिसको अर्ध सरकारी कहते हैं, इस वर्ग में रखा गया क्या, कोयला। ठीक है, इसमें अधिकतर शेयर गवर्नमेंट के होंगे। कोयला सरकार ने अपने पास रखा, इसमें तो देखिए हार्ड एंड पूर्णतया सरकारी था और इसमें अधिकांश सरकारी के मतलब थोड़ी बहुत बाहर की पूंजी आ सकती है निजी क्षेत्र की, लेकिन रहेगा सारा का सारा जो आपका पॉलिसी सब कुछ गवर्नमेंट का रहेगा। ओके, तो इसके अंतर्गत कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान निर्माण, पोत निर्माण, टेलीफोन तार, बेतार यंत्र, खनिज तेल उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगों को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी गई, अर्थात सरकार ने आधारभूत उद्योगों को भी अपने पास ही रखा ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा और दशा सही रहे। इन उद्योगों से संबंधित जो औद्योगिक इकाइयां वर्तमान में निजी क्षेत्र में, उन्हें अगले 10 वर्ष तक निजी क्षेत्र में रहने दिया जाएगा। मैंने बोला ना कि सरकार के पास पैसा उस समय नहीं था, सरकार चाह रही थी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर ले। जो निजी क्षेत्र में, मान लीजिए कोई कोयला की इंडस्ट्री है जो निजी क्षेत्र में है, तो राष्ट्रीयकरण करना चाह रही थी, नीति थी राष्ट्रीयकरण की, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाई। कहे कि 10 साल तक इनको उसी सेक्टर में बने रहने दो, 10 साल बाद लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसका राष्ट्रीयकरण करके सरकारी क्षेत्र में इसको शामिल कर दिया जाए, पर इनसे संबंधित नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का अधिकार पूर्णतया सरकारी क्षेत्र को दिया गया। मतलब अगर मान लीजिए कोई कोयला फैक्ट्री कोई ए व्यक्ति के पास है, तो ठीक है वो 10 साल तक हम आपसे नहीं बोलेंगे, आप 10 साल तक काम कर लो, लेकिन 10 साल के बाद मैं इसका राष्ट्रीयकरण कर लूंगा। लेकिन अगर कोई नई कोयला फैक्ट्री अगर ए व्यक्ति और खोलना चाहता अपने बी भाई के नाम से, तो आप नहीं खोल सकते हो। तो जो आपके आधारभूत उद्योग प्राइवेट व्यक्ति के पास थे वो तो थे, ठीक है वो थे, कोई बात नहीं, लेकिन नए उद्योग आप नहीं खोल सकते, उसको केवल गवर्नमेंट ही ओपन करेगी। और सरकार तीसरा सेक्टर बनाई थी नियमित क्षेत्र, यानी सरकार उनके लिए रूल्स खुद बनाएगी। तीसरा क्षेत्र जो आता था, सरकार कहती थी प्राइवेट सेक्टर तो आएगा लेकिन नियम हम बनाएंगे, रेगुलेट हम करेंगे, हमारे नियमों के अनुरूप वो कार्य करेगा, आप प्राइवेट व्यक्ति खोल लो। तो तीसरे वर्ग में राष्ट्रीय महत्व के कुछ आधारभूत उद्योगों को कुछ उपभोक्ता उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, रबर उद्योग आदि को शामिल किया गया और इन उद्योगों की संख्या 18 थी, एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जिनको निजी व्यक्ति क्या स्थापित कर सकता है, लेकिन नियमन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल केंद्रीय सरकार द्वारा ही करेगी, आप कुछ भी नहीं करोगे। और चौथा सेक्टर जो डिवाइड किया उसको पूर्णतः निजी क्षेत्र, अर्थात इस को निजी क्षेत्र डिसीजन ले सकता, वो लगा सकता। इसके अंतर्गत से सभी उद्योगों को, इन उद्योगों को छोड़ने के बाद जितने उद्योग बचे, इन उद्योगों को कह दिया गया कि वास्तव में इनमें निजी क्षेत्र निवेश कर सकता, इनका नियंत्रण भी नहीं कराएगा और नियम भी उन्हीं के रहेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पहला आपका उद्योगों का वर्गीकरण पूर्णतः सरकारी क्षेत्र, दूसरा अधिकांश सरकारी क्षेत्र, तीसरा आपका सरकार द्वारा नियमित क्षेत्र और चौथा पूर्णतः सरकारी निजी क्षेत्र, इसको उन्होंने 4 सेक्टर में क्लासिफाइड कर दिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था 4 सेक्टर में उद्योगों को विभाजित किया गया। अब हमारे पास क्या थी, हमारे पास इसमें कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के संदर्भ में क्या रणनीति, इस नीति के अंतर्गत सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। क्यों, क्योंकि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों लोगों को अच्छा रोजगार दिया है और उनकी कौशल का सबसे बेस्ट प्रयोग क्या होता, उनकी जो कौशल थी, जो उनकी कला थी, उसको कुटीर एवं लघु उद्योग ही विकसित कर रहा था। तो इसलिए फर्स्ट 5 आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने लघु एवं कुटीर उद्योगों को बहुत अधिक स्थान दिया, इसके विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपा।
अर्थात स्टेट गवर्नमेंट ने इसका दायित्व लिया और इनकी सहायता के लिए विभिन्न स्तर पर विशेष संस्थाओं का निर्माण पर जोर दिया जाएगा ताकि फाइनेंस आप इनसे हो जाए। तो इस प्रकार जोर दिया गया, ये नीति में यही भी बताया गया कि सरकार कुटीर एवं लघु उद्योगों बृहत उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करेगी, अर्थात ऐसा नहीं कि बड़े उद्योग आए और कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, नहीं, बृहत उद्योगों को साफ साफ मना कर दिया गया। कुछ उद्योग थे जैसे 236 उत्पाद थे जिसमें केवल सरकारी कुटीर एवं लघु उद्योग ही उत्पादन कर सकते हैं, बृहत उद्योग नहीं उत्पादन कर सकते थे। बाद में सरकार ने इनकी संख्या कम करना प्रारंभ कर दिया, उनका डेटा मैं आगे बताऊंगा कि कम करके कितना कर दिया। तो इस प्रकार लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए सरकार ने आरक्षित कर दिया, जैसे माचिस केवल लघु एवं कुटीर उद्योग बनाएगा, अगरबत्ती लघु एवं कुटीर उद्योग बनाएगा, मोमबत्ती नहीं, तो आपको लगता है कि बड़े उद्योग इस छाप की मोमबत्ती यूज करो आ जाता है मार्केट में ना। तो इसीलिए सरकार ने इकोनॉमी की कंडीशन के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योगों को रिजर्व रखा। विदेशी पूंजी बहुत डर लगा, आपको पता है विदेशी पूंजी से हम लोग निजात पाए थे। इस नीति में तीव्र औद्योगीकरण के लिए उच्च तकनीक ज्ञान वर्धन की दृष्टि से विदेशी पूंजी को आवश्यक समझा गया, इसलिए सरकार ने इस नीति के अंतर्गत विदेशी पूंजी के प्रति उदारता पूर्वक रूप अपनाया। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो था लेकिन डर कहीं ना कहीं था कि विदेशी पूंजी आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या कर दिया जाएगा, प्रॉब्लम करेगी, इसलिए सरकार उदारता पूर्वक रूप अपनाया। ठीक, बड़ा मतलब एक प्रकार से था ठीक है लेकिन हम उसको इन्वाइट करने के इंटरेस्ट में नहीं है, पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि विदेशी उपक्रम में पदों पर शीघ्रता से भारतीयकरण कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जहां भी विदेशी पूंजी मिले उसको तुरंत नेशनलाइज पूंजी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, आपका अगला पॉइंट है प्रशुल्क एवं कर नीति। इस नीति के अंतर्गत सरकार ने प्रशुल्क नीति अनावश्यक विदेशी स्पर्धा को रोकने की होगी जिससे उपभोक्ता पर अनुचित भार डाले बिना विदेशी साधनों का उपयोग किया जा सके। पूंजी का विनियोग को करने, बचत में वृद्धि करने एवं कुछ व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति का केंद्रीकरण रोकने के लिए कर प्रणाली में आवश्यक सुधार किया जाएगा। तो इस प्रकार सरकार ने इसके अंतर्गत इन पॉइंट्स को डिस्कस किया और इसके अतिरिक्त है श्रमिकों की हितों की सुरक्षा। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिकरण की गति देने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए श्रम प्रबंधन के माध्यम से मधुर संबंधों के महत्व पर बल दिया गया जिससे श्रम शक्ति का पूर्णता एवं कुशलतम प्रयोग हो सके। इसके लिए सरकार ने नीति अपनाई, श्रमिकों के लिए अभिप्रेरणा कल्याणात्मक कार्यक्रमों को चलाने और प्रबंधन में श्रमिकों को भाग लेने के पर जोर दिया गया। तो इस प्रकार आपकी 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो जाती है जिसमें उद्योगों को चार विशेष कैटेगरी में डिवाइड किया गया था और आपने देखा होगा तीन कैटेगरी में केवल गवर्नमेंट का एक अधिकार था। एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि गवर्नमेंट केवल कुछ सेक्टर थे जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले थे, सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना थी और उनको वास्तव में पूंजी से, विदेशी पूंजी से बहुत डर लग रहा था। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने इन जब तीन सेक्टर को अपने अंडर में रखा तो उसके पास एक लोड ज्यादा था। ठीक है, इस प्रकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो स्वतंत्रता के हमारे पास क्या है बात तुरंत प्रारंभ हुई, लेकिन क्या हुआ एक प्रॉपर रूप से अभी काम कर रही थी लेकिन लगता था कि हमको अर्थव्यवस्था को कुछ ओपन करना होगा, उधार करना होगा, तभी आर्थिक गति और तेजी से बढ़ेगी। इस प्रकार 1948 की जो ये अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्वीकार किया गया ताकि हमारे कुछ नई स्ट्रेटजी थी और नए उद्देश्य उनको काम इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो 1948 की जो आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी इसके मेन पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आपके प्रश्न उत्तर से करूँ।